पता ना भारतीय जनता पार्टी बेशर्म है कि ओम प्रकाश राजभर बेशर्म है। कब भाजपा को गाली देगा, कब सपा को देगा, कब किस दल को गाली देगा, इसको क्यों आगे चलाते हैं? अभी सुरक्षा हर गांव में लता से जाएंगे करने वाला है। राजभर समाज का बधुआ मजदूर नहीं है। प्रकाश राजभर के माई का दूध पिलाई है तो घोसी में आ रहा है ना, होगा तो राजभर जी को तो कुर्सी नहीं मिली है भाजपा में। 25 साल से कुंडली मार कर वही बैठेंगे। बुलडोजर में जंग लग गया है कि इसके पर कभी बुलडोजर नहीं चला। खड़ी बगैर सहारे खड़ी होती नहीं है, वो कहीं फिर भाग जाएगा। अब्बास अंसारी इनके रिश्तेदार थे क्या? अभी विधायक थे दारा सिंह चौहान जी समाजवादी पार्टी से, फिर से ही उन्हें टिकट मिला जो है भाजपा से। हमारे साथ हैं स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मनोज राजभर जी। तमाम मुद्दों पर आप लोगों ने इनका इंटरव्यू भी देखा होगा, ये बहुत मुखर होकर बात भी करते हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से नेताजी। आपके चैनल को बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग गाजीपुर के वीरों की धरती से आए हैं, आज इस घोसी हमारी जन्मभूमि और कर्मभूमि है राजा नहुष की धरती पर। आपके सभी दर्शकों का अभिनंदन वंदन, और मैं प्रणाम करता हूँ सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी के समस्त कार्यकर्ता हूँ और नेताओं की तरफ से। अच्छा नेताजी, ये बताइए कि भाजपा ने अपना प्रत्याशी डिक्लेयर कर दिया, समाजवादी पार्टी ने कर दिया, आपकी पार्टी कब कर रही? हमारी पार्टी भी प्रत्याशी घोषित करेगी। अब कल से परसों में हमारी प्रत्याशी का घोषणा हो जाएगी। हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि डर गए हैं आप? जो है ओम प्रकाश राजभर जी बीजेपी में आ गए हैं तो आप लोग डर गए होंगे कि पूरा जो है राजभर समाज तो उनके पास चला गया, भाजपा में चला गया, आपको कौन वोट देगा? नहीं नहीं ऐसा है नहीं। देखिए ओम प्रकाश राजभर जी को तो कुर्सी नहीं मिली है भाजपा में गए हैं तो, भारतीय जनता पार्टी में देखे होंगे 5-6 दिन पहले मंत्री बनने वाले हैं आप बात। अरे वो मुख्यमंत्री भी बन जाए, ईश्वर करे कि मुख्यमंत्री बन जाए, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो उनका उनका जो रवैया है, टिकट सौदा करना, थोक भाव में समाज को गुमराह करके बेचना, 21 वर्ष से राजभर समाज या राजभर जो कौम है उनके गतिविधियों को सारी चीज जान गई है। जो उनको पुत्र मोह में मोतियाबिंद हुआ है, इस बार ऑपरेशन करने के लिए सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी का गठन हो चुका है, और वह कहते हैं कि खर्चाली ठोकेंगे तो पपीता फरेगा। सुखदेव राजभर जी को, रामाचल जी को, बब्बन जी को, ऐसे लोगों को इन्होंने हराने का काम किया, तो आज माननीय महेंद्र राजभर जी ने जो खर्चाली ठोका है तो पिरा रहा है उनको, पिरा रहा है या घोसी की जनता है। जब यह जवानी पर थे 2004 में, 2002 में इनकी पार्टी बनी तो जवानी पर थे, तो घोसी की जनता ने चंद्रदेव राजभर को समाजवादी पार्टी से दिल्ली के पंचायत में भेजने का काम किया। इनका कोई भाषण, इनका कोई काम नहीं किया, तो ये घोसी की जनता है, लोकल को इस बार चुनाव जिताएगी, इतना वोट देगी कि शासन सत्ता कुछ इनका कर नहीं पाएगा। कौन कौन लोकल, किसकी बात कर रहे हैं आप? लोकल चुनाव, लोकल हमारा भी कैंडिडेट है, किसी पार्टी ने अब तक एक हमारी यहाँ पर एक नंबर पर मुस्लिम वोट है, दो नंबर पर दलित है, जिसमें खट्टिक पासिक दुसाद ये सब मिलाकर, नट मिलाकर, धरिकार डोम मिलाकर दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर हमें 75,000 घोसी में राजभर हैं। और किसी राष्ट्रीय पार्टी ने, चाहे कोई भी पार्टी, अभी तक टिकट नहीं दी। हमारी पार्टी राजभर एक युवा चेहरा है, उसको लड़ाएगी। जिला पंचायत में वो लड़े थे, 500 वोटों से हारे थे, और दमखम के साथ आपको आपको जल्द ही मिलेगा। अभी 17 तक पर्चा दाखिला है ना, हमारा भी कैंडिडेट तैयार हो रहा है, और कई दलों से बात भी चल रही है गठबंधन के लिए। तो अभी जब तक गठबंधन नहीं हमारा हो जा रहा है, तब हमारी पूर्ण तैयारी है। आपको बहुत जल्द देखने को प्रत्याशी भी मिलेगा, और सारे चीज आपको आईने की तरह मिलेगी। तो गठबंधन किससे करना है? 10,000 कार्यकर्ता हैं, 10,000 कार्यकर्ता लगेंगे पूरे पूर्वांचल के, जैसे हम लोग कार्यकर्ता नेता बुलाएंगे, जगह जगह पर कैडर की मीटिंग होगी, और आपको सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी का विजय का पताका इस घोसी की धरती पर लहरेगा। अभी आप बोल रहे हैं गठबंधन करने की बात, तो गठबंधन कौन से पार्टी कर रहे हैं आप? बहुजन से भी आप हरा रहा है, कांग्रेस से भी आप हरा रहा है, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी भी संपर्क में है, हम लोग के है इंडिया संपर्क में है, आम आदमी पार्टी संपर्क में है, सरदेव अखिलेश यादव जी संपर्क में है। तो जब तक अभी नहीं घोषणा हो जा रही है, तो हम तो अपनी पूरी तैयारी करके चलेंगे। यह राजनीतिक युद्ध है ना, हम युद्ध से तो पीछे हटेंगे नहीं। कहीं आप हरवा भारतीय जनता पार्टी से ओम प्रकाश राजभर जी तो नहीं लेके आ रहे हैं? ओम प्रकाश राजभर जी से क्या है, ओम प्रकाश राजभर जी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को ऑफर दिए थे कि पार्टी को विलय कर लीजिए, तो ठीक है भाई पंचायत हो जाए, तो पंचायत किस बेस पर होगी? अपने लोगों को भेजे थे, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि अपने बेटे को राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हटा दीजिए, दूसरे को बना दीजिए, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष छोड़ दीजिए, दूसरे को बना दीजिए, हमको मत बनाइए, और हमारे 2 कार्यकर्ताओं को निगम में भिजवा दीजिए। मैं आपको क्षमा मांगते हुए, आपसे माफ़ी मांगते हुए, मैं पार्टी का विलय कर लूँगा। तो
छितरा गए, उनके लोगों का सर नहीं उठ रहा था जो पंचायत के लिए आए थे। 25 साल से कुंडली मार कर वही बैठेंगे, सिर्फ उन्हीं का राज है। सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी तो बनी है, अपने झंडे में आराध्य देवता सुहलदेव जी का फोटो दिए, जहाँ झंडे पर बैठना चाहिए सुहलदेव जी को, उनके पार्टी में बाप बेटा कुंडली मार कर बैठ गए। किस बात का वो कहते हैं कि यह समाज की पार्टी है? सुहलदेव जी का भी उन्होंने अपमान किया। तो ओम प्रकाश राजभर बिन पेटी के लोटा हैं, उनका दो दशक से जो बेचने का जो आतंक रहा है, अब समापन के दौर में है। ओम प्रकाश राजभर की यहीं पर हैसियत का पता चल जाएगा इसी उपचुनाव में, और भारतीय जनता पार्टी भी उनको लात मारकर भगाएगी। अभी तो कुर्सी नहीं दी थी ना, अभी देखिए उनका उन लोग का। वो तो कहते हैं कि राजगद्दी हमको मिल रही है, कुर्सी की क्या बात कर रहे हैं? मिला था, दर्री भी नहीं पाए थे, उठा कर देख लीजिए चैनलों पर, इनको दर्री भी नहीं मिला था। अब नहीं बाबा जी को गाली देंगे, मोदी योगी जी को डुबो कर गंगा जी में मारने की बात कर रहे थे। मोदी जी आए थे गंगा जी नहाने अपने संसदीय क्षेत्र में, तो कह रहे थे पाप धोने आए हैं। इसका मतलब कि जितने लोग गंगा जा रहे हैं नहाने, भारतीय जनता वो पापी है, उनके कहने का मतलब यही अर्थ हुआ ना। तो ओम प्रकाश राजभर जी कभी सरंगी बजाने की बात करते थे, चल सन्यासी मंदिर में घंटा बजाओ, जहाँ भीख मांगने की गोरखपुर में ट्रेनिंग दी जाती है वहाँ पर इसको मैं भेजूँगा, तुम तड़का की सारी जबान चलाए, अब शब्दों का प्रयोग किए। क्या मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, क्या उनके बुलडोजर में जंग लग गया है कि इसके पर कभी बुलडोजर नहीं चला? क्यों इस पर बुलडोजर नहीं चला? इतना अनाप शनाप बका, इस पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। वो तो कहते हैं कि राजनीति में ये सब चलता है, मंच पे जब चुनाव होता है तो तमाम भाषणबाजी होती है, तो इससे क्या मतलब कि अब लोकतंत्र में और संविधान में ऐसा कोई भी व्यवस्था नहीं कि आप इस तरह से विरोध होता है, लेकिन इतना घटिया इतना निष्पना विरोध नहीं होता है कि माँ बहनों को स्पष्ट रूप से, जिसने मऊ में 2017 के चुनाव में इसने गाली दे रहा रतनपुरा के धरती पर, माँ बहन की असली कार्यकर्ता जो ब्लड वाले होंगे इसी उपचुनाव में, भारतीय जनता पार्टी के वर्कर चाहे नेता चाहे कार्यकर्ता इसको सबक सिखा देंगे इसी में, नहीं तो नहीं होंगे। तो अपना गाली सुने तो फिर निकलेगा, फिर गाली देगा, उसकी तो छड़ी बगैर सहारे खड़ी होती नहीं है, वो कहीं फिर भाग जाएगा, जहाँ उसको ज़्यादा माल थोक भाव में मिलेगा वहाँ भगेगा। अब्बास अंसारी इनके रिश्तेदार थे क्या कि इनकी पार्टी में थे, विधायक बना दिए और कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का वो विधायक है। ये बताइए साइकिल का अपने आप में अलग ब्रांड है, तो साइकिल से नहीं दे देते चाहते तो इनको क्यों देते छड़ी से? इनकी छड़ी कौन सी ब्रांड है? छड़ी इनकी कौन सी ब्रांड है कि देंगे? तो यह बिना ब्रांड के भारतीय जनता पार्टी बुला ली है 6 करोड़ रुपया हमारे रामजीत राजभर जिला अध्यक्ष अभी गए थे इनके यहाँ हैंडपाइप के लिए कि भाई आपको जितवाए हैं राजभरों से, हमने वादा किया है। तो रामजीत राजभर से अब्बास अंसारी ने यही कहे कि 6 करोड़ मैं दिया हूँ तो ओम प्रकाश राजभर जहूराबाद से लड़ रहे हैं, और 2 करोड़ दिया हूँ तो उनका बेटा शिवपुर से लड़ रहा है। हम हैंडपाइप देने के लिए नहीं विधायक हुए हैं, नहीं दिया समाज को, तो स्पष्ट अभी तो देखिए ना 27 में इनका कितना, जितने विधायक हैं इनके संपर्क में एकमात्र विधायक है इनके 6 विधायक में, बाकी सब दूसरे के संपर्क में हैं। इनके पास कुछ रह नहीं गया है, धरातल खसक गई है, इसीलिए आनंद फानन में इनके कार्यकर्ता सारे टूट के सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी में आ रहे थे, आनंद फानन में सत्ता में गए हैं कि हमारा प्लान रुके कि तुमको निगम दिलवा देंगे, ये दिलवाए, सब लालीपाप देकर कार्यकर्ताओं को रुके हैं। बहुत बड़ा भगदड़ मची है और ओम प्रकाश राजभर जी का राजनीतिक अंत हम लोग कर देंगे। यह 27 क्या 24 में ही झोला और बिस्तर लेकर बनारस के लिए लौट जाएंगे। कहा जा रहा है कि यहाँ से अब जो है भाजपा का जो है विधायक बनने वाले हैं दारा सिंह फिर से, क्योंकि दारा सिंह जी के टिकट मिल गया है, कह रहे हैं कि जो है पूरा राजभर जी के वजह से, ओम प्रकाश राजभर जी की वजह से पूरा राजभर समाज जो है चला गया, बीजेपी को अपोर्ट करने वाला है। राजभर समाज का बधुआ मजदूर नहीं है, यहीं पर उपचुनाव हुआ था, महामहिम हुए थे राज्यपाल यहाँ के जो विधायक थे, जब राज्यपाल तो उपचुनाव हुआ और विजय राजभर कैंडिडेट थे बीजेपी से, उस समय ओम प्रकाश राजभर जी अकेले चुनाव लड़े थे, उठा कर देख लिए कितना वोट पाए थे, 75,000 में 10,000 वोट पाए थे, मल्ला को लड़ाए थे निषाद को, उसमें निषादों का भी बेचारों लोगों का वोट था, तो कहाँ इनका है? घोसी कभी इनको नेता अपना मानवे नहीं की, घोसी से ये अलग थे तो विधायक विजय राजभर को बना दिया, समाजवादी पार्टी से सांसद बना दिया, यह घोसी की माटी है, यहाँ के लोग हैं, यहाँ के युवा हैं, यहाँ के माँ बहने हैं, यहाँ के नौजवान हैं। स्टार प्रचारक बना के उतारा जा रहा है घोसी में, वो स्टार प्रचारक नहीं है, नहीं वो स्टार प्रचारक
उनका अब जाएंगे वहाँ पता चलेगा कि कितना बड़ा स्टार प्रचारक हैं, और 8 तारीख को आप आइएगा जहाँ गिनती होगी इनकी स्टार प्रचारक इनकी हैसियत पता चल जाएगी। ये उसी दिन दोनों लोग दारा चौहान जी ये दोनों लोग परीक्षा में फेल होने जा रहे हैं और इनकी परीक्षा लेने के लिए ही बाबा ने यहाँ भेजा है। ये लोग सोच रहे थे कि पहले ही हम मंत्री बन जाए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इन लोग का योगदान क्या है, क्या दारा चौहान जी भूल गए, कहते थे कि जातिगत जनगणना क्या करा लिए क्या वहाँ जाकर भाजपा में, किस शर्त से समझौता कर गए बताएं समाज में आकर कि मैं इस समझौते से मैं गया हूँ तो चलिए समाज आपका साथ देगा, लेकिन आप कोई शर्तें नहीं, बस मंत्री पद किसी तरह मिल जाए लूट खसोट करें, बस इतना ही रह गया इनके जी में। सारे दलों को घुरियाते सतभतर ये बतार हो चुके हैं, कौन से भी कोई भी इनके पास दल बचा हो तो कोई बता दे, माइका लाल किस बहुजन में नहीं रहे हैं कि सपा में नहीं रहे हैं कि कांग्रेस में नहीं रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में 18 महीना के बाद 9 महीना में बच्चा पैदा होता है, 9 दुना 18 महीना में ही एक भी काम नहीं किए और चले गए। तो यह इन लोग चले गए इसलिए ना कि अब जो है सत्ता में जाएंगे तो डबल काम करेंगे, फिर से जनता ने उनको चुना था फिर से चुने। इसके पहले वन मंत्री थे, बताए क्या ये घोसी में काम किए हैं, मधुबन से क्यों भाग कर चले आए, मधुबन से विधायक थे और अच्छा वोटों से इन्होंने चुना जीता था, दोबारा फिर यहाँ भाग कर चले आए समाजवादी पार्टी से लड़ने के लिए। आखिर में क्या समाजवादी पार्टी का एक भी वीडियो क्लिप दिखा दे कि माननीय अखिलेश यादव चाहे उनके वर्कर चाहे नेता इनको क्या कह दिए कि इनको इतना बड़ा चला गया कि ये जाकर उपचुनाव करा रहे हैं। उपचुनाव कराने पर पूरी सरकारी तंत्र फंसा हुआ है, आचार संहिता लग गई, सारे काम ठप है, प्रधान कोई काम नहीं करा सकता है गाँव में, कोई सारी चीज़ें व्यवस्थाएँ मतलब एकदम थम सी गई है घोसी की। तो आपको क्या लग रहा है, आप नेता हैं इसी घोसी में मऊ में घूमते हैं, आप भी एक समाज के बड़े नेताओं में से एक आते हैं, तो ये बताइए कि आखिरकार दारा सिंह चौहान जी को एक बार जनता ने वोट दिया और फिर से अब भाजपा से आ रहे हैं, तो फिर इसके बाद फिर क्या एक ही साल में फिर से उनको पसंद करेगी, जनता वोट देगी? अरे लगा तो है बैनर कि भाजपा की खैर नहीं, उन पर दारा चौहान से बर नहीं, जगह जगह लग रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग ही लगा रहे हैं, तो ये चुनाव कहाँ जीत रहे हैं। और जनता वो चीज़ नहीं रह गई, सबके हाथ में सोशल मीडिया है, सब जान रही है इस बार दल बदलुओं को व्यवस्था कोई नहीं रहेगी, एक दल बदलू जो नेता है जनता इस बार सबक सिखाकर लोकल फॉर वोकल को चुनाव जिताकर लखनऊ के सदन में भेजेगी कि वहाँ से अपना हिस्सा और बखरा जो मिलेगा यहाँ पर घोसी की जनता को लाकर वो लोग चौखट और दरवाजे तक पहुँचाने का काम करेंगे। अच्छा, आप बड़े नाराज दिखते हैं, ओम प्रकाश राजभर से इतनी नाराजगी क्यों? वो देखिए, ओम प्रकाश राजभर से मेरी कोई जातिगत दुश्मनी नहीं है, ना कोई डांड मेड़ का झगड़ा उनसे है, उनकी जो नीति है वो बहुत गंदी नीति है, वो गंदा उसी घटिया सोच है, कभी शराब को समाज को शराबी बनाना, कभी एक भी राजभर गैर को टिकट न देना। शराबी बनाने की बात करते हैं, आप वो मंच पे खड़ा होते हैं तो कहते हैं कि शराब हम बंदी करवाने के चक्कर में पड़े हैं उत्तर प्रदेश में, वहाँ के बताएं ना कब, अब तो डबल इंजन की सरकार में गए हैं, बताएं कि किस पर आए हैं, अभी अभी तो आए हैं, जानना चाहता है किस लिए वो पार्टी में सत्ता पक्ष में गए, आखिर में क्या समझौता ले गए, धूर पोछ कर भंडारी बन रहे हैं कि एसटी को लेकर जो सारी चीजें एक संस्था है जागो राजभर जागो उसने किया, उसमें हम भी सदस्य हैं। ब्रेकिंग न्यूज चल रही है कि जैसे ही जो है गठबंधन में गए एनडीए के गठबंधन में जैसे ही शामिल हुए राजभर जी वैसे ही जो है फाइल आगे बढ़ गई, अपने ऐसे नहीं बढ़ी है, हाई कोर्ट का डंडा पड़ा है समाज कल्याण को, तब सर्वे कराकर इसको फाइल को आगे बढ़ाया गया है, ये तो धूर पोत कर भंडारी हो रहा है। अभी तक क्यों नहीं गई, क्यों आगे कराएगी भारतीय जनता पार्टी? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अनिल राजभर उसमें कैबिनेट मंत्री हैं, उनको नेता प्रोजेक्ट किया है अनिल राजभर को, राजभर समाज की वजह से उनको मंत्री बनाती है टिकट देती है, तो अनिल राजभर को प्रोजेक्ट करेगी आगे अपना लाभ लेने के लिए कि इसको करेगी इस बेहूदे को जो इसका कोई ठिकाना नहीं, कब भाजपा को गाली देगा, कब सपा को देगा, कब किस दल को गाली देगा, इसको क्यों आगे करेगी? भारतीय जनता पार्टी को आरक्षण देकर समाज का वोट और लाभ लेना होगा तो सीधे डायरेक्ट अनिल राजभर को आगे करती, इनको क्यों आगे करेगी भाई? कोई मुख्यमंत्री का बयान है क्या? ये जब गठबंधन में हुए तभी बताया जा रहा है कि फाइल आगे बढ़ गई। नहीं नहीं, ब्रेकिंग न्यूज चल रहा था, पहले से प्रोसेस थी, भारतीय जनता पार्टी की मीडिया है वो चाहे ब्रेकिंग चला दे चाहे डिजिटल ब्रेकिंग चला दे, आप आरोप लगा दिए मीडिया पे। बिल्कुल, मीडिया सब आप लोग बिके हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से, सारी मीडियाओं को भारतीय जनता पार्टी के पास इतना पैसा हो गया है कि अडानी अंबानी के पैसे से लोग सब लोग मीडिया खरीद लग रहा है। नेताजी अब डर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर जी के भाजपा में जाने से। प्रकाश राजभर के माई का दूध पिलाई है तो घोसी में आ रहा है ना, होगा दो दो हाथे ही पर।
और हम अकेले घूमते हैं। अरे स्टार प्रचारक के रूप में आए, जैसे दस ठो डरपोकड़ा, दस ठो यादव गाली देने के लिए दस ठो गनर लेके चल रहे हैं कि यादव गाली देंगे नहीं तो पिट कहीं पिटा जाएंगे। हटा दे अभी सुरक्षा, हर गाँव में मतलब तवस्से जाएंगे। हाँ सुरक्षा को हटा के चले ना, जैसे आम विधायक चल रहा है एक गनर लेकर, कहीं नहीं हर जगह इनको जूता और टमाटर इन पर पड़ने वाला है। आए पहले क्षेत्र में, हाँ आप रहिएगा, कैंपिंग करिएगा, देखिए। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। बिल्कुल समाज थक चुका है भाई साहब, ये कई साल का बहुत बड़ा दिन होता है। ये पांच मुख्यमंत्री की बनाने की बात करता था, हर जाति की बना दिया, ये बात करता था महिलाओं के आरक्षण दिला दिया, ये बात करता था शराबबंदी की हो गई, 69,000 शिक्षक भर्ती हो गई, क्या क्या इसने मोदी जी को कहा कि कोयला खदान बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया, ये बेच दिया, फला बेच दिया, ताजमहल बेच दिया, रेलवे बेच दिया, कहाँ बुलेट ट्रेन है गांव में, जो गो सांसद लिए कहाँ खेल रहा है वो लड़का, तमाम तरीके से आरोप लगाते हुए माँ बहन की गाली को देते हुए, यह पता ना भारतीय जनता पार्टी बेशर्म है कि ओम प्रकाश राजभर बेशर्म है। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, ये देख लीजिए, ये जो है कि सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, और ये जो है तमाम तरीके से ओम प्रकाश राजभर पर कटाक्ष करते रहते हैं। और अब जो है आखिरी सवाल कि यहाँ से कौन सा प्रत्याशी जीत रहा है? यहाँ से सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी बहुत, अभी तो महाराज गठबंधन की बात कर रहे हैं, गठबंधन नहीं हुआ, प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ तब तक आप जीता रहे? तैयारी है, यदि गठबंधन होगा तो हम लोग के समाज के हक और हिस्सा की जो बात करेगा, जो हमारी शर्त को मानेगा समाज हित में, तो गठबंधन करेंगे तो हम गठबंधन के साथ होंगे, आ नहीं होता है तो हमारा प्रत्याशी दमखम के साथ यहाँ से चुनाव लड़ेगा। अच्छा, कब कब घोषणा हो रही है प्रत्याशी? हमारे प्रत्याशी की 16 तारीख घोषणा हो जाएगी। अच्छा, चलिए, हमारे साथ मनोज राजभर जी थे, और फिर अगर इनके पार्टी से कोई आता है यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए, ये प्रत्याशी उतारती है इनकी पार्टी, तो फिर हम आएंगे और इनसे बात करेंगे। तो चलिए बस इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।